मैं मर चुका हूँ, आप जाइए। मैं मर चुका हूँ, हाँ देखिए मेरे अंदर सांस भी नहीं आ रही, आप जा सकते हैं। मैं मर गया हूँ, आप जा सकते हैं भाई, आप जाइए, मैं मर गया हूँ। तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जवादी पर। मेरा नाम है जादूगर और आज की हमारी वीडियो में हम इन महोदय की पावर्स को टेस्ट करेंगे। तो मम्मी भाई ने ऑलरेडी 3-4 वीडियो इनके ऊपर बना ली है, तो हम भी थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लेते हैं। तो इनका मैं नाम भूल गया, अरे ये ब्लू और ये प्राणी, आपका नाम क्या है? वैसे नाम को छोड़ो, ये आपके बिच्ची के ऊपर ये बैंगन किस तरह रखा है यार? ओह इसका मुंह है, मुझे लगा ये इसकी गर्दन के ऊपर बैंगन रखा हुआ किसी ने। अरे ये क्या कर दिया मेरे, अरे मुझे आपकी पावर यूज करना नहीं आती तो मैंने इसको टांग से पकड़ लिया। अरे परे हो जाइए, मैं बहुत खतरनाक बंदर हूँ। ये पावर कितनी पावर है तेरे पास? अरे बाप रे, इसके पास तो बहुत ज्यादा माल है यार, इसका मेरा दिल कर रहा है ऐसे घुमा के चक्री दे के फेंक दूं, लेकिन चलो दफा करो, अपनी पावर्स मुझे दी हैं। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जरा आगे बढ़ाती हैं और लीजिए तो ये बैंगन वाले मुंह की इतनी सारी पावर है, देख लो फिर कितनी सारी पावर है। तो मम्मी भाई ने ऑलरेडी 3-4 पावर टेस्ट कर ली है, तो उनके बाद वाली पावर जो है अभी हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए भाइयों भाग दौड़ शुरू करते हैं। ओए होए, ओए ये बहुत तेज भाग रहा है यार, ओए ओ माय गॉड यार ये तो बहुत मस्त है यार, ये तो बहुत मस्त पावर है यार, ये बहुत जबरदस्त पावर है। अगर भैया ये पावर लेके मैं ओलंपिक्स के अंदर दौड़ूं तो ओए होए होए, अरे हट जाओ बाइक वाले भाइयों, हट जाओ यार। ओए ये गाड़ी को तो मैंने छुआ भी नहीं, और लगता है ये बैंगन वाले मुंह ने गाड़ी को लात मारी और ये गाड़ी बिल्कुल हमारे पास आ गई। देखो कैसे फुदक फुदक के आ रहा है, अबे आराम से आ जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ओए होए कितनी ऊंची छलांग मार रहा है, अरे ऐसी छलांग मार के तो हम पूरे ऊपर से जो जहाज जो जाते हैं उनको भी पकड़ लेंगे। तो मैं ओए होए अरे बोल रापचिक चीज है यार, ये तो ये तेरी पावर मैंने तुझे कभी देनी नहीं है, ये बैंगन वाले मुंह मेरी बात सुन ले, ये बहुत जबरदस्त चीज तूने मुझे दे दी है। ओए होए बहुत ज्यादा धांसू चीज है यार। ओए होए होए, तो अब हम जाके इस सिटी के अंदर थोड़ा इन पावरों का इस्तेमाल करते हैं और पूरा तहलका मचाते हैं सिटी के अंदर। और बाद में ये ट्रेन बहन जो है ये टाइम पे आती नहीं है, तो इनके ऊपर भी थोड़ी पावर्स वगैरह हम टेस्ट करेंगे सीधा गाड़ी के ऊपर। अरे यार मैंने ये छोटे मोटे एयर कंडीशन गाड़ियां सब तोड़ दी मैंने, बहुत रापची चीज। और पम्मी भाई ये एक पावर का बहुत ही जिक्र कर रहे थे जिसका नाम है धरती हिलाऊ पावर। तो चलिए अभी हम धरती हिलाऊ पावर का इस्तेमाल करते हैं और शहर के अंदर ये आतंक फैला देते हैं ये। अरे कितनी ऊंची छलांग मार रहा है यार, इतनी ऊंची छलांग मारूंगा तो यार पम्मी भाई की बात वो भगवान ऊपर ही बुला लेगा मुझे। क्या डैमेज किया मैंने धरती हिलाओ पावर से। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर बस बहन, अरे कितनी सारी गाड़ियां आ चुकी है यहाँ पे, सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने ओए ट्रक को मैंने क्या लपेटा, उसको टायर ही बाहर आ गए ट्रक वालों के। तो मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी शॉपिंग करने की कोशिश की, लेकिन सारी दुकानें ने ये दुकानें सारी मेरे ऊपर इन्होंने बंद कर दी, और अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये शहर के ऊपर मैंने आज कब्जा कर लेना है। और थानोस भैया मैं कह रहा हूँ तू मेरे बीच में मत आइयो, तेरा सर मैंने फोड़ देना है। और मैं ये कह रहा था कि लास्ट, अरे पानी वाली पावर भी इसके पास है यार, ये तो बहुत मस्त चीज है यार, अरे मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा था कि अगर इतनी भागने वाली पावर है, अगर मैं ओलंपिक्स में जाऊँ तो सारे गोल्ड मेडल मैं ही जीत के आ जाऊंगा। तो पानी वाली पावर से तो आपको देख के यही लगता है कि सारी चीजें एकदम से पानी बन रही है, मैं जिसके ऊपर पानी मार रहा हूँ वो पानी बन रहा है, सब कुछ पानी पानी हो रहा है, सारा हमारा पानी सबने निकाल दिया, ये पानी वाले भैया भी पानी हो चुके हैं यार। गाड़ियां मतलब कि जो चीज हिल रही है वो चीज पानी बन सकती है। मैं काम करता हूँ, मैं आते ही ट्रैवल एयरपोर्ट के पास जाता हूँ जहाँ पे पम्मी भाई ने अपनी वीडियो में बहुत धमाल किया था ना, तो वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रैप्चिक मतलब वीडियो बनाई थी, बहुत खतरनाक वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो में पम्मी भाई ने बहुत सारा धमाल किया और मैं भी चाहता हूँ कि उस वीडियो में धमाल कर दूँ। तो चलिए मैं भी उसी जगह के ऊपर चलता हूँ और वहीं पे ये धरती हिलाओ पावर मैंने इस्तेमाल नहीं की, ये ऑटोमेटिक आ जाती है यार, ये बहुत शैतानी चीज है यार, है ना भैया, ये बहुत शैतानी पावर है आपकी यार, ये आप कैसे कंट्रोल करते हो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी ऊंची छलांग कैसे मार सकता तू यार, मैं तो बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ, अभी लुमड़ी बहन को इस पावर से मारने का तो बिल्कुल वखरा ही अंदाज होगा। लेकिन मैं वो जानवरों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में बहुत मतलब की चीजें लिखी थी मेरी लास्ट वीडियो में, और मैं कह रहा हूँ यार ये तुम बहुत शैतानी कर रहे हो, हमारे व्यूवर जो है ना बहुत मस्ती मार रहे हैं और कमेंट सेक्शन में चपड़ 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 लिखी जा रहे हैं, और पम्मी भाई बोल रहे हैं कि पैगो चैनल पर है, मैं खतरनाक बंदर हूँ मैं बहुत, मैं बता रहा हूँ ये मत लिखा करो कमेंट सेक्शन में,
मम्मी भाई ने देख लिया तो मैं तो फिर गया ना, और मैं नहीं चाहता कि हमारे खून का आरोप तुम्हारे सर पर जाए। तो ये फालतू की चीजें कमेंट सेक्शन में मत लिखो यार, आप अच्छे घर के बंदे हो, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। और अगर फिर से कमेंट सेक्शन में लिखा किसी ने कि पैगो बंदर चैनल पे है तो मैंने सबके घर में चिट्ठियां भेज देनी है। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत खतरनाक चीज हूँ, मैं चिट्ठियां सारी हाथ से लिख के भेजता हूँ मैं घर पे, तो ध्यान रखना यार आगे से। यार हम भी भाई हैं और आप भी भाई हो, तो भाई भाई को यार ऐसे नहीं चलता। तो चलिए वीडियो को आगे हम यहाँ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पम्मी भाई मैं काम करता हूँ, मुझे कमेंट आई थी, और हाँ मैं ये कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू और बहुत खतरनाक बंदर हूँ मैं कह रहा हूँ। तो कमेंट ये थी कि टेस्ट करना है कि थैनस भैया पानी के ऊपर चलते हैं कि नहीं चलते। तो लीजिए थैनस भैया को हम पानी के ऊपर चलाते हैं और ये पानी के अंदर ही डूब चुका है। ये कैसे जा रहा है यार ये पानी के अंदर है? मैंने सोचा था कि ये अरे किस कैसे मस्त तरीके से मैं तैर रहा हूँ जैसे जलपरी हो। देखा मेरी जलपरी, ओए मेरे जलपरी वाले तैरने के स्टाइल को जरा गौर फरमाइए। और यहाँ से सीधा पानी के बाहर हम निकलते हैं। तो अब मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे ये बैंगन वाले मुंह जो हैं पानी के ऊपर नहीं भाग सकते। तो अगर पानी के ऊपर भागोगे तो आप पानी के अंदर ही समा जाओगे। तो चलिए यार, अरे मुझे बोल नहीं दे रहे, कोई यहाँ फेंक रहा हूँ मैं, किसी को वहाँ फेंक रहा हूँ, कोई सारे इसको देख लो ये बहुत जल्दी में है, ये गोल्फ गड्डी वाला, वो तेरे कौन से जहाज चलते हैं, इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा है जैसे कि इसके बादाम के ट्रक आते हो। बेवकूफ कहीं का भी, किसी के अंदर गाड़ी ठोक जाती तो लेने के देने पड़ जाते यहाँ पे लॉस एंजेलिस की सिटी में। तो चलिए भैया यहीं पे वेट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन बहन जब यहाँ से गुजरेगी तो उसको हम पानी बनाने की कोशिश करेंगे। और देखना ये है कि ट्रेन बहन, प्यारी ट्रेन बहन जो है वो पानी बनती है कि नहीं बनती। सारा पानी हम ट्रेन बहन का आज निकालेंगे, बहुत पानी पानी करता। अरे ये तू पानी क्यों नहीं बन रहा? बैंगन वाले मुंह पानी बन भाग गया, इधर कहाँ जा रहा है? बेवकूफ इंसान ना हो तो यार, ये बैंगन वाले मुंह के अंदर दिमाग ही नहीं है, बैंगन वाला मुंह एकदम। तेरा मैंने भरता बता देना, आज तेरी शक्ल ही भरते वाली है। चल जरा दूर खड़ा रहा, बड़ी बदबू आ रही है देर से। तो यार ट्रेन बहन यार बहुत दिमाग खराब कर रखा हुआ है। तो जब तक ट्रेन बहन आती है तो उसके अलावा तब तक आने पर तब तक हम दूसरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी पावर जो है लगता है पावर का नाम है एनिमल पावर। तो उस पावर से जो है ये जो भोले वाले बंदे हैं वो एनिमल से बन जाते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल भाइयों, ये जो भोले वाले बंदे शहर के जो हैं बिल्कुल जानवर बन जाते हैं। अरे शार्क बहन कैसी हो? तो ये असली में हमारी शार्क बहन नहीं है, वो सिर्फ एनिमल बन चुकी है। ये हैमर हेड शार्क और ये शेरू कुत्ता, ईरानी मुर्गी। ओए होए शेरू कुत्ता फिर से आएगा, और पीछे चौप भी है, चौप बड़ा गुस्से में है। तो ये शेरू, ये टेंशन मत कीजिए, ये सारे नकली जानवर हैं। अरे शेरू कुत्ते को हमने ये मोगली सुअर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अरे कैसे फदक के जा रहा, और फिर से एक बारी शेरू कुत्ता, ये चौप, ये कौन सी मेरे पास आके ऐसे ड्रिफ्ट मार के ऐसे गिर जाता है। चौप को जरा खड़ा कर देखेंगे ना ये तो। अरे नन्हे खरगोश कैसे हो? नन्हे खरगोश बन गए यार, ये बारह सिंगा बन गए, और शार्क बहन फिर से आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि जो चौप हमारा कुत्ता है ये बार बार आगे ऐसे मतलब कि हमारे ये गोडो के पास फिरकी मार के ड्रिफ्ट मार के हमारे पास ही गिर जाता है। ट्रेन बहन आ गई, ओह ट्रेन बहन को मैंने शार्क अच्छी बना दिया है, और इतनी बड़ी वेल, ओह माय गॉड। तो ट्रेन बहन को हमने पूरा वेल बना दिया यार, वाह इतनी बड़ी वेल मच्छी कैसे पानी से बाहर कैसे जी रही है यार, ये तो बहुत बड़ी वेल मच्छी है। और हम अरे ये देखा चौप को, देखा कैसे फिरकी मारी हमारे पैरों के पास और ऐसे ड्रिफ्ट मार के गिर गया। ओए मैं कह रहा हूँ चौप, बात मेरी सुन ले, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, मैं मुझे बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, दिमाग में बात डाल लो कि मैं बहुत डेंजर बंदा हूँ। अगर तूने नेक्स्ट टाइम ऐसे किया ना चौप, तो मैंने ऐसे तेरे कोनी मारनी है पूंछ के ऊपर, फिर बोलता रही हो बात करता है ऐसे ड्रिफ्ट मार, फिर से आ गए ऐसे ड्रिफ्ट मार के फिरकी मार रहा है। इसको देख लो ये शेरू का भांजा भी ऐसे ही काम कर रहा है जैसे चौप कर रहा था। तो पूरे जो हैं जो पागल कुत्ते हो चुके गेम के अंदर सारे कुत्ते, ये देखो देख मैं परे हो जा, फिर हमारे ये जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि भाई ये पैगो भैया जानवरों को मार रहे हैं। और ये यार ये पुलिस बहन कहाँ से आ गई यार, इतनी सारी पुलिस कैसे आ सकती है यहाँ पे? मैंने तो मॉड मैंने यूज किया है कि पुलिस ना आए। ये बेवकूफ इंसान, इतनी बड़ी मच्छी तुझे दिख नहीं रही, उसके अंदर गाड़ी ठोक रहा है बेचारी बहन के अंदर। तो मैं ये कहने की कोशिश, अरे ये फिर से चौप बन गया, तो ये फिर से ड्रिफ्ट मार के कोनी मारने की कोशिश करके भी आने वाला होगा। तो नेक्स्ट पावर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टेलीपोर्ट का। ओए क्या कर रहा है ये कुत्ता, एकदम पागल हो चुका है यार, ये क्या चाहता है? ओ माय गॉड,
मैंने इतना बड़ा ट्रक कुत्ते के ऊपर गिरा दिया और इसी के साथ ही ट्रेन बहन आ चुकी है यहाँ पे और ट्रेन बहन के ऊपर भी हम ट्रक गिराएंगे। लेकिन ट्रेन बहन तू यहाँ से जाने की कोशिश मत करियो, मैंने तुझे चारों तरफ से घेर लेना है और धरती हिलाओ पावर का इस्तेमाल करके हमको ट्रेन बहन को बिल्कुल पटरी से नीचे उतार देंगे। तो पूरी सिटी आज हम कब्जे में ले लेंगे थानोस की पावर्स के साथ। ये वैसे बैंगन वाले मुंह के पास पावर है बहुत तगड़ी है यहाँ पे यार। तो यार ये जो कार एक्सीडेंट वाली पावर है तो ये बहुत जबरदस्त है यार, अगर उसके ऊपर जहाज गिरा दिया यार एकदम जबरदस्त चीज है। और पुलिस वैन के ऊपर हम ये टाटा सुमो गिरा देंगे। अरे टाटा सुमो के ऊपर रैंप बग्गी, अरे बड़ी बढ़िया तंगी पावर है हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे यार, एकदम जबरदस्त पावर है हमें मिल चुकी है धनुष भैया। यार मैं धनुष भैया एक काम करो यार, अपनी पावर है मुझे किराए पे दे दिया करो दिन में यार, बड़ा मजा आएगा यार। ये बिरयानी के पंगे जो होते हैं, पैसे कमाने के पंगे होते हैं, ये सारे हम एक दिन के अंदर ही मिटा देंगे अगर आप। अरे लिमोजिन गिरा दी उसके ऊपर, यार ये जबरदस्त पावर हमें दे दिया यार धनुष भैया की पावर। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये मम्मी भाई ने अगर ये पावर देख ली, ये गाड़ियाँ गिराने वाली पावर, वो तो फिर बहुत खुश होंगे यार, बहुत खुश होंगे। तो मम्मी भाई ने भी इस जगह पे आके बहुत धमाका किया था और लेकिन हम तो उनसे भी बड़ा धमाका करने की कोशिश करेंगे। ओए क्या एक्सीडेंट करवा रहे हैं यार, ये पावर एकदम डेंजरस है। तो चलिए अभी हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक होल की पावर, इससे पता नहीं होता है क्या क्या होता है इसे ब्लैक होल की पावर से। इसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। तो एक ब्लैक होल जो है बिल्कुल यहाँ पे स्पॉन करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे, ताकि ट्रेन बहन आए तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरी ब्लैक होल के अंदर ही चली जाए। तो अरे बाप रे, ये इतना बड़ा काला गोला कहाँ से आ गया। तो दो गोले इस्तेमाल करते हैं ये कहाँ, अरे बिल्कुल, ओ माय गॉड, और तेरी बिल्कुल गाड़ियाँ जो है गोले के अंदर ही घुस रही है। अरे घूम घूम के फिरकी मार के गाड़ियाँ गोले के अंदर घुस रही है यार, ये तो बड़ी, ये गाड़ी कर क्या रही है ये। ओ बैंगन वाले मुंह परे हो जा तू, कहीं गोले ओए पूरी ट्रेन बहन जो है गोले के अंदर घुस चुकी है। ओ ये क्या रहा है, ओ माय गॉड, ओए होए होए होए, मजा आ गया यार, इतना मजा आ गया यार। इतनी धासु जो है, इतनी फन वाली पावर है जो हमारे बैंगन वाले मुंह के पास है और मुझे पता भी नहीं है। मैं काम करता हूँ, गोले के अंदर गोले को स्पॉन करता हूँ। ओए होए, ये तो गोला तो और मोटा हो गया, तो इस गोले को अभी हम और बड़ा करेंगे। वो तो ये आसपास की सारी गाड़ियां जो है अपने अंदर खींच रहे, तो मैं काम करता हूँ बड़े बड़े जहाज स्पॉन करता हूँ गोले के अंदर, तो देखता हूँ होता क्या है। तो आज हम इतनी स्पॉनिंग करेंगे ना, ये पम्मी भाई के मॉड मेन्यू के साथ इतनी स्पॉनिंग करेंगे ना, तो ये पूरी गेम ही हमारी क्रैश हो जानी है आज। तो आज तो पक्का हम गेम, ओए पूरे ट्रक गोले के अंदर घुसने वाले हैं। वाओ यार ये कैसे, ओए चक्री मार गए ये चीजें, ओ माय गॉड ये, अरे अच्छा हुआ कि ये पम्मी भाई यहाँ पे नहीं है, वो तो हमारी सही से धज्जियाँ उड़ाते। बहुत खतरनाक हम तबाही कर रहे हैं यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा ही तबाही हो रही है यहाँ पे। ओए होए होए होए, ये किसी के बचने को कोई भी चांस नहीं है, जो भी यहाँ से जाएगा वो गोले के अंदर ही समा जाएगा यार। और ये ट्रेन बहन का मैं वेट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ इस गोले को मैं और बड़ा करता हूँ। ओह माय गॉड, कितना बड़ा ब्लैक होल हमने यहाँ पे कर दिया है, वाह यार जबरदस्त चीज हमारे हाथ में लग चुकी है, एकदम रैपचिक जबरदस्त, एकदम झकास चीज हमारे हाथ में लग चुकी है। और कितना बड़ा ब्लैक होल हम कर दिया यार, दूर दूर से जो भी जाएगा ये ब्लैक होल के अंदर ही आ जाएगा, किसी के बचने का कोई भी चांस नहीं है। अरे ये, अरे ये जहाज वाला भैया क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जहाज वाले भैया को भी खींच ले। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा हो चुका यार, वाह मेरी, अरे ये हमारा गोला यार, शिट हमारा गोला चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से इस गोले को बड़ा करते हैं और सारी गाड़ियां जो हैं इसमें थमाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, तो हमने गोला वो स्पॉन करना है बिल्कुल पटरी के ऊपर, ताकि अगर ट्रेन बहन या कोई गाड़ियां वगैरह जाएं तो पूरे गोले के अंदर ही समा जाएं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी यहां से बच के नहीं जाना चाहिए, तो मैं काम करता हूं, ओए हट जाओ यहाँ से, सारे मर जाओगे। ओह माय गॉड, दूर दूर से गाड़ियाँ खींच रही है हमारा ताकतवर गोला, तो बस थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है और सबको। ओए ये ट्रेन बहन हमसे पीछे से कैसे आ गई यार, घुस जा अंदर गोले के अंदर, पूरी ट्रेन बहन ही पूरी गोले के अंदर घुस चुकी है और पूरी ट्रेन बहन का जो की है वो नामो निशान बिल्कुल मिट चुकी है और ये सिर्फ दो डब्बे बचे हैं ट्रेन बहन के। तो यार ये गोला बहुत ही आतंकी हमले कर रहा है यहाँ पे ऊपर, अरे उस
जहाज को देखो कैसे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बचने का तो कोई भी चांस नहीं होने वाला इस गोले के अंदर से। और आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही ग्रीस लगा लिया सर के ऊपर, तो कमेंट्री का फटाफट निकल रही है मेरे मुंह से, तो आज तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये पुलिस वाली गाड़ी को रिवर्स में इसने खींच लिया, तो मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट ढेर सारे ट्रक स्पॉन करता हूँ। ट्रक नहीं यार, ट्रक से मजा नहीं आता, ट्रक को भी खींच लिया इसने यार। खतरनाक चीज है यार ये। मैं काम करता हूँ, मैं पम्मी भाई की सुपर कार स्मॉल स्पॉन करता हूँ। हाँ ये मस्त है, हाँ ये मस्त है। अरे मेरे गाड़ियाँ तो स्पॉन करना, तो ये क्या कर रहे हैं यार, ये गोला बहुत ही, इसके अंदर बहुत ही खिंचाव आ चुका है। अरे बाप रे, एक और खतरनाक आइडिया जो कि मेरे दिमाग में आ चुका है, वो ये है कि हम यहाँ पे दो गोले स्पॉन करेंगे, तो दो गोले स्पॉन करने के बाद हमारी गाड़ियाँ जो है चक्री व्यू में घूमने लग पड़ेंगी। अरे यार हमारा गोला गायब हो गया यार, ये कैसी बुलशिट गिरी हमारे साथ हो रही है यार, बिल्कुल गोला ही हमसे गायब हो चुका है यार। तो हमारे दो गोले स्पॉन करने का सपना जो है बिल्कुल साकार नहीं हुआ। और ये कितनी पुलिस की गाड़ियाँ खींच रहे हैं अपने अंदर, और ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि जब ये गोले के अंदर ये गाड़ियाँ जाती हैं तो ये जाती कहाँ पे, ये माल सारा कहाँ पे जाता है। अरे मुझे स्पॉन करना था गोले यार, ये लगता है एक गोला जो है दूसरे गोले को भी अपनी तरफ खींच रहा है, और वो दोनों एक दूसरे में समा रहे हैं। तो मुझे एक काम करना चाहिए, थोड़ा दूर मुझे इस गोले को स्पॉन करना चाहिए ताकि वो उसको खींच ना सके। तो मेरे कहा था ये जगह, इतनी बड़ी गाड़ी को अंदर ही ले लिया उसने यार, तो यहाँ पे वो जगह है वो ठीक रहेगी। और ठीक यहीं पे बीचों बीच में अपनी जो गाड़ियाँ स्पॉन करता हूँ, और देखता हूँ कि वो हमारी जो गाड़ियाँ स्पॉन करेंगे तो वो कौन से गोले के अंदर जाएंगी। अरे बिल्कुल हिल भी नहीं रही हमारी गाड़ियाँ। ये हमारा प्लान जो है हमेशा चौपट हो जाता है यार, बिल्कुल चौपट कर दे इसके ऊपर। मैं धरती हिलाओ पावर का इस्तेमाल करता हूँ, और देखता हूँ कि धरती हिलाओ पावर की वजह से ये गाड़ियाँ किस गोले के अंदर फटके जाएंगी। और सीधा ओह माय गॉड, ओ तेरी सारी गाड़ियाँ मम्मी भाई की जो स्पॉन करके, ओ तो यार बहुत जबरदस्त चीज है। अरे ट्रेन मैन फिर से आ गई, ये ट्रेन मैन गोले के अंदर क्यों नहीं जा रही। मैं धरती हिलाओ पावर से ट्रेन को मैं डिसेबल कर दूंगा। वो ओए 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 यार, हम बहुत ही तबाही मचा रहे हैं शहर के अंदर यार। तो चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ी बहुत और गाड़ियां स्पॉन करते हैं अपने भाई की, और देखते हैं कि अरे मुझे गाड़ी तो स्पॉन करना था, यहीं से गाड़ियां खींची जा रहा है यार, इसको बहुत जल्दी है गाड़ियों को चलाने की। अबे ओ माय गॉड, अरे हम बड़ा गंदा फंस सकते थे इस वीडियो में। अगर एक बात तो हमारा जो है हमारे लक की दाद देनी पड़ेगी, और दाद देने से पहले मैं एक बात बता पूछ देता हूँ आपसे, ये बैंगन वाला मुंह कहाँ पे गया। अबे ओए कहाँ चला गया तू, ये फिर हमारा तो कोई साथ देता ही नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई है ही नहीं। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा हुआ कि हमारी वीडियो में जो है पम्मी भाई नहीं है। अरे इतने सारे प्लेन, वो अब तो मेरी गेम भी हल्की हल्की लैग होने लगी है, लगता है मैंने पम्मी भाई का कंप्यूटर तोड़ दिया आज। मैंने पम्मी भाई की गेम या उनका कंप्यूटर मैंने आज तोड़ देगा, मैं बहुत तबाही कर रहा हूँ शहर के अंदर यार। अच्छा हुआ वो इस यहाँ पे नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से परसों आने की वो सोच रहे थे, तो मैं कल जो है आखिरी वीडियो बनाऊंगा, और वो परसों तो फिर आ जाएंगे, तो मैं सारी वीडियोज जो है मैं अपनी डिलीट कर दूंगा ताकि उनको भनक भी ना लगे कि मैं उनके चैनल पर गया था। और मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत खतरनाक चीज़ हूँ, अगर आपने कुछ बोला तो मैंने आपके घर में चिट्ठियाँ भेज देनी है, फिर मत कहना कि हमारे घर में आपने चिट्ठियाँ भेजी हैं। तो ये मैं आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो मैं कल ये अपनी सारी वीडियोस जो है मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि परसों वो आ रहे हैं वापस। तो चलिए भाई, थैनोस भैया की सारी पावर जो है हमने टेस्ट कर ली है, लेकिन एक चीज़ हमने टेस्ट नहीं की कि ये हमारा ये जो काले रंग का जो गोला है जिसको ब्लैक होल कहते हैं, तो ये काले रंग का गोला ये पानी के अगर हम स्पॉन करें तो ये क्या पानी अपने सारा खींच लेगा अपने अंदर, मुझे समझ भी नहीं आ रही। तो ये देखना पड़ेगा कि सारा गोला जो है पानी अपने अंदर खींच लेगा कि नहीं खींचेगा। तो इम्तिहान की घड़ी अब आ चुकी है, तो बिल्कुल अरे कहाँ गया, तो ये लीजिए बिल्कुल पानी के अंदर हमने गोले को स्पॉन कर लिया, तो और पानी को अपने अंदर तो खींच ही नहीं रहा। मैंने सोचा था कि सारा पानी इस गोले के अंदर ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा यार। एक गोला जो है पानी, ये वाटर प्रूफ गोला नहीं है, ये बात हो सकती है कि ये गोला जो है वो वाटर प्रूफ नहीं है, तभी वो पानी को अपने अंदर खींच नहीं पा रहा, नहीं तो वो संभाल रहा यार। वो गोला बहुत खतरनाक चीज है यार, बहुत। अरे यहाँ पे हमने कितना डैमेज कर दिया है, ओह माय गॉड। ट्रेन वैन सॉरी यार, ये ट्रेन वैन सॉरी यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो चलिए अभी हम कौन सी पावर इस्तेमाल करेंगे, क्लिक फिंगर वगैरह, अभी हम
ये बड़े बड़े गोले गिराते हैं। हाँ 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 ये पावर बहुत मस्त है। हाँ ये मैंने कभी टेस्ट भी नहीं की, तो बड़े बड़े गोले हम गिराएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटे गोले से, तो छोटे अरे मैंने मैंने बोला, अरे ट्रेन मैन को देखो कितनी शैतान है, गोले के अंदर से बाहर आ गई। अभी भी छोटा गोला, ओए 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 मैंने बोला था कि छोटे छोटे गोले गिराने, इतने मोटे मोटे गोले गिराने की क्या जरूरत थी यहाँ पे यार। ये आपका स्वागत है मेरे चैनल चुपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांग देता हूँ कि मैं 2 दिन के लिए नहीं, 6 दिन के लिए मेरा प्लान था कि बाहर जाना, लेकिन मैं 2 दिन पहले ही वापस आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज पैगो को सरप्राइज दूँ, लेकिन मुझे पैगो की आवाज यहाँ पे आ रही है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे सामने पैगो दिख रहा लगता है। एक काम कर रहा हूँ मैं, फटाफट मैं यहाँ पे अपनी स्नाइपर निकाल लेता हूँ और पैगो को देखता हूँ कि यहाँ पे कर क्या रहा है, लेकिन मेरे पास स्नाइपर है ही नहीं। ओह नो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना मॉड मनी निकाल के अपनी स्नाइपर वो है वो ले सकता हूँ। तो ऑल वेपन्स करके मैं अपने आप को सारे वेपन्स दे के तो मैं फटाफट यहाँ पे स्नाइपर निकाल लेता हूँ और मुझे लगता है, बिल्कुल लगता है कि मुझे सामने जो है वो पैगो खड़ा है। ये पैगो ही है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे ये पैगो कर क्या रहा है यहाँ पे? और ये ट्रेन बहन जो है पटरी से बाहर आ चुकी है और ये थैनोस की पावर है मुझे लग रही है कि वो इस्तेमाल कर रहा है। ये यहाँ पे हो क्या रहा है? काम करता हूँ, छुप छुप के जाकर देखना पड़ेगा कि ये बंदर कर क्या रहा है, ये यहाँ पे कर क्या रहा है। मुझे लग रहा है कि ये चैनल के ऊपर आया है, तो एक मिनट में फटाफट जो है अपना चैनल देख लेता हूँ कि उसने चैनल के ऊपर कोई वीडियो वगैरह तो नहीं डाली। ओहो हो बंदर की पोल खुल गई सारी, इंस्टाग्राम चैनल कम्युनिटी टैब वीडियो पे वीडियो आप लोगों को धमकी दे रहा है बंदर। एक काम करता हूँ मैं फटाफट ट्रेन बहन के ऊपर से छलांग मार के इसको पहले सरप्राइज देता हूँ। हेलो अजी, कैसे हो? सबसे पहले तू एक उल्टे हाथ की चपेट खा, सबसे पहले बंदर वाले मुंह। तो तेरे ऊपर मैंने विश्वास करके तुझे मैंने अपने गांव में छोड़ा और तूने ये हाल किया। ये सारा थैनोस है, ये हरामखोर बैंगन वाला मुंह मुझे भैला फुसला के मुझसे वीडियो बनवा रहा है, ये सारी चाल इसकी है। सब्र कर बंदर, तुझसे तो मैं बाद में लिपटूंगा, पहले इससे लिपटता हूँ। ये बैंगन वाले मुंह, सही में बताया इसका मुंह बैंगन वाला है। अबे वो तो चल, वो तो पागल बंदर है, तेरे अंदर अकल है कि नहीं कि तू शहर के अंदर कर क्या रहा है? सबर कर, तेरी तो मैं खबर लेता हूँ। तू बहुत ब्रह्मांड का यूनिवर्स का जो तुझे देखिए ये कितना गुस्से में है, ये बंदर तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अबे परे हो जा, पहले ही हमारा दिमाग खराब है। उसके ऊपर पहले मैंने पत्थर फेंक के उसको मैंने फोड़ देना सर पहले उसको। और तू बता कि तू तो समझदार है ना कि तूने शहर के अंदर, तुझे बोला था कि तूने एक बारी वो ट्रेन बंद फिर से कर गई। ओह माय गॉड, ये ट्रेन बंद हमारी फिर से, उसको ट्रेन बहन को जाने भी नहीं दे रहे हम लोग यार। ले गायब हो गया ये, इसका सही है यार, ये थैनोस का सही है, जरा सी बात बोलो तो गायब हो जाता है। तो मैं काम कर दूं। अच्छा बंदर वाला मुंह भागने की कोशिश कर रहा है, सबर कर तेरे लिए गाड़ी लेके आता हूँ मैं। कहाँ जाएगा ये कहाँ भागने की कोशिश करेगा तू है? ये तू कहाँ भागने की कोशिश करेगा, हमारे कहर से बच के कहाँ जाएगा तू? आज मैंने तुझे नहीं छोड़ना, तूने सारे विश्वास को मेरे वो जो है तबाह कर दिया। तो तेरी मैंने वो चैनल के ऊपर नौटंकी देखी, पहले सबसे पहले तू हमारी ऑडियंस को तंग किया, तूने सबको धमकी दे रहा है। कहाँ जा रहा है तू कहाँ जा, तुझे गाड़ी के नीचे करता हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, मैं बहुत बेकसूर यार मैंने तो यार 6 दिन से खाना भी नहीं खाया और आपकी ऑडियंस के मैंने तंग नहीं किया यार, मैंने इनको बताया ही नहीं कि वोट करना है। अरे लग जाएगी यार, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैंने आपसे बात नहीं कर रही। लुमड़ी बहन का जो फोन आया था, लुमड़ी बहन ने ठीक ही कहा था कि यार ये पैगो तंग कर रहा है। उसके बाद तूने मॉड्स भी यूज किए, कार्स भी यूज की और ड्राइवर को भी तंग किया। मुझे रिपोर्ट आई है, मुझे ड्राइवर ने कल फोन करके बताया था कि ये बंदर आपके चैनल पे है और मेरा काम उसने, मैंने उसको, ड्राइवर ने आपको बंदर को जॉब दी है, उसने मुझे बोला कि मैंने बंदर को जॉब दिया, उसने मेरी जॉब पूरी नहीं की तो वो नुकसान कर दिया मेरा बंदर ने। और दूसरा तूने टूर की वीडियोस बनाई हैं शहर के अंदर, गाय बहन लुमड़ी बहन सबको लेके घूम रहा पागलों की तरह। और क्या किया तूने, सिटी के अंदर पूरा धमाका कर दिया, हंटिंग की वीडियोस तूने बना दी और सबको बोल रहा कि मैं खतरनाक बनता हूँ, तेरी सारी चर्बी मैं निकालता हूँ। अरे अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये सारे आप आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा सकते यार, मैं तो बहुत शरीफ बंदर हूँ यार, मैं तो भोला भाला बंदर हूँ यार। अरे मैं भाग गया हूँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं बहुत तेज भागता हूँ, आप मेरे पीछे मत आइए, आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, मैं बहुत चालाकू और मैं ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। अरे बाप रे, ये तो पीछे जा गया। अरे गोली मत चलाइएगा, मैंने आपसे बात नहीं करनी।
अरे तू रुक, तू कहां जाएगा? मैं तेरे ऊपर सबसे पहले ये तो शुक्र मना कि मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर नहीं है। तू कहां जाएगा बच के? तेरे ऊपर मैंने बजूका मारने, सब्र कर। तू बच के कैसे कैसे भाग के जा रहा? रुक रुक, मैं आ रहा हूं। रुक रुक, तेरी तो मैं तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे चैनल का क्या हाल कर दिया? तूने मेरे चैनल का बैनर आर्ट तक चेंज कर दिया यार ये। अरे वो मैंने नहीं किया, वो राहुल दर्जी और मोती मछुआरे की मिली भगत थी। अरे यार बजूका मत मारी, लग जाएगी यार। और पहले ही मेरे पास दो जोड़ी कपड़े हैं, एक धोने पड़ते हैं और एक सुखाने पड़ते हैं, तो यार ये कपड़े मेरे खराब हो जाएंगे। वो तो यार अब यार मोती मछुआरे और राहुल दर्जी को तो कुछ कहते नहीं है, ये सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे, सारी उनकी मिली भगत है, तो यार उनको भी तो कुछ बोलो। मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, देख लियो मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं है, मैं बहुत तेज भागता हूँ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। मैं कह रहा हूँ चर्बी तो तेरी आज मैंने निकाल देनी है, चर्बी तो तेरी आज मैंने पक्का निकाल देनी है। तूने इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ करने की कैसे कोशिश की तूने इस? अबे रुक, कहाँ भाग के जा रहा है? वैसे भागता बहुत तेज है ये बंदर। सबर कर, तुझे गाड़ी लेके आता हूँ तेरे लिए मैं। तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे गाड़ी के नीचे करना ही पड़ेगा। ये कैसी गाड़ी चलती क्यों नहीं है यार? सबर कर, किधर गए ये बंदर? इस तरफ ही भागा हुआ लगता है ये। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं भाइयों। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ी बहुत परेशानी हो रही होगी, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं बंदर को ना मारूं, लेकिन आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने यार लोगों पर अत्याचार किए, लुमड़ी बहन पर अत्याचार किए, ट्रेन बहन को देखो कैसे मारा। ये क्या गाड़ी है यार ये? और सिटी में धमाका किया, ड्राइवर के साथ धोखा किया, तो ड्राइवर तो हमारा पक्का दोस्त था, उसके साथ धोखा किया। आप लोगों को तंग किया, धमकियां दे रहे कि मैं खतरनाक बंदर हूँ, मैं सबके घर में चिट्ठियां भेज दूंगा। ये क्या है ये है क्या? अबे रुक जा, मैंने तुझे गाड़ी से नीचे कर देना। मेरे घोड़े तोड़ दिए आपने फिर से यार। ये पहली मैं दो बारी घोड़े अपने रिप्लेस करा चुका हूँ, आप और मत तोड़िए यार ये। अरे मैं मर चुका हूँ, आप जाइए, मैं मर चुका हूँ। हाँ देखिए मेरे अंदर सांस भी नहीं आ रही, आप जा सकते हैं। मैं नाटक कर रहा हूँ, हाँ मैं मर गया हूँ, आप जा सकते हैं भाई, आप जाइए, मैं मर गया हूँ। चला जाओ, आप नाटक मत कर, मुझे पता है तो नाटक करने में बहुत नंबर वन है, तो चला जा। एक काम कर, ये तूने जो सबसे काम किए हैं तो सबसे माफ़ी मांग ले, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर सबसे माफ़ी मांग रहा है तो। ये शर्त है, अगर तूने बचना है या ये आगे जो तेरी मौत पड़ने वाली, तुझे अभी वैसे जो मार खाने वाला सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर तू चाहता है कि ये मार खाने वाला सिलसिला जो है ख़त्म हो जाए, तो ये जो सारे शैतानी वाले काम तूने किए हैं सबसे पहले माफ़ी मांग ले, तो मैं तुझे बख्श लूँगा। मैं भाई मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और जब मैंने वो धमकियां वगैरह आपको दी कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, यार मैं कुछ भी नहीं है यार। अरे देखो यार मुझे तो अबे कहाँ जा रहे हो? ये चलती गाड़ी में से फेंक दिया मुझे, ये कौन सी सजा, ये कौन सी मार दे रहे हो? ये कोई नया तरीका ढूंढना मारने का आपने? मैं कुछ भी नहीं है यार। और मैंने जो बताया कि मैंने आपको चिट्ठियाँ लिखनी है, कुछ भी लिखना मुझे यार, तो मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। और लुमड़ी बहन मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके साथ बहुत काम खराब किया यार, मैंने आपके ऊपर हमला किया यार। और ये जो आपके मैंने मॉड वगैरह कार प्रॉपर्टी और जो मैंने लोगों को तंग किया था, मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ यार, ये फिर से कभी नहीं होगा। और यार मम्मी भाई वो ड्राइवर से मुझे बचा लिया गया यार, वो डेंजर बंदा यार, वो मेरे घर में आ गया था कल यार। यार मेरे ड्राइवर ने बहुत बोला यार, तो उसको आप ज़रा बोल दीजिएगा यार। और आखिर में मैं थाना भैया आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने भी आपको पटक पटक के लपेटा, और सिटी के लोगों को भी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको मैंने बहुत तंग किया। ट्रेन बहन से भी माफ़ी चाहता हूँ, गाय बहन, शेरू का भांजा, और ये ईरानी मुर्गी, और ये राहुल दर्जी, और मोती मछुआरा, ये सबसे माफ़ी चाहता हूँ यार। मैंने कुछ नहीं किया यार, मैं बेकसूर बंदा हूँ यार, खाने के पैसे नहीं होते मेरे पास यार, मेरे पास पापड़ लेने के पैसे नहीं होते यार, ये कड़की छाई हुई है यार, वो उबले अंडे जेब पे पड़े होते हैं भाई, वही खा लेते हैं यार। और मस्ती कर ले चैनल के ऊपर। अरे जिंदगी हमारी खराब है यार, मैं तेरी जिंदगी सबर कर, तेरी जिंदगी में और खराब करता हूँ। ये ले, तेरे तेरे तेरे, तेरे मुंह के ऊपर सबर कर, तेरे पैरों के इतने बड़े बड़े पैलम उस अंडे के, सबर कर। कहाँ जा रहा है? बच के कहाँ जाएगी? तुझे बचने के बहुत शौक है ना, तेरे यहाँ पे गोड्डे के ऊपर मैंने फेंकते हैं। अरे अब ये क्यों अत्याचार कर रहे हैं? अब तो मुझसे माफी भी मंगवा रही है यार, अब ये क्या यार? मैं आपका बैनर वगैरह भी चेंज कर दूंगा यार। यार ये क्या यार ये? अब तो मुझे माफी नहीं मांग रहे हो? अरे ये स्टिकी बम फेंकी मेरे पर, ओहो दो फेंक दिए, अरे तीन, बस करिए खत्म हो जाएंगे, चार पाँच ओए छः, कितने सारे बम फेंकोगे? सारे मेरे ऊपर ही फेंकने हैं, मैं स्टिकी बम के चक्कर में नहीं आने वाला, देखा क्या कैसे बच के मैं बहुत चलाक हूँ। मैं नहीं हूँ चलाक। अरे और स्टिकी बम मत फेंकी यार, मैं माफ़ी भी मांग चुका, अब तो माफ़ी भी मांग चुका मेरे बाप, अब तो छोड़ दे यार, ये इतना जुल्म अच्छा नहीं होता बंदरों के ऊपर यार। मैंने मुकदमे चला देने आपके ऊपर, मैं बहुत डेंजर तो वैसे नहीं है, मैंने मुकदमे चला देने आपके ऊपर, ये गंदी नज़र से मुझे मत देखिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं यार। अरे कितना मारोगे यार?
यार कितना मालूम है अब तो दांत टूटने में आ चुके हैं यार। अरे सॉरी यार मैं एक बार फिर से मैं सॉरी मांगता हूँ यार, मैं आई एम सॉरी यार। हाँ चल ठीक है, लगता तुझे लगता है जितनी मार पड़नी थी वो पड़ गई, तो अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि कभी ये धोखेबाजी मत करियो, मेरा ये बाहर आना जाना लगा होता है तो चैनल के ऊपर कोई मस्ती वगैरह नहीं मारनी। अब तू आराम से, देखा मेरे हाथ में कितने बड़े, मैंने ऐसे पंच मारना तेरे मुँह के ऊपर, समझ गया ना? हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं समझ गया, मैं छोटे में ही समझ जाता, मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। चल चल चुप हो जा अब, तो चल पैगो तू यहाँ से भाग जा, तेरा जो है काम खत्म हो चुका है और फिर से ये गलती कभी मत करियो। तो यहाँ पे तू चला जा, देख कैसे स्टाइल में खुला खुला होकर जा रहा है, ये खुला खुला होकर जाने का क्या मतलब है? पागल बंदा यार ये भी। तो चलिए भाई एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि मैं वापस आ चुका हूँ और पैगो ने जो भी किया आपके साथ, जो बदतमीजी की, आपके साथ जो मस्ती की, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और तो एक बार फिर से मैं सिटी के अंदर आ चुका हूँ और तो लीजिए अभी जो हमारा बंदर है वो आपने नाराज़ नहीं होना, वो कभी हमसे नाराज़ नहीं होगा, मुझे पता है कि हमने उसके ऊपर इस वीडियो में बहुत अत्याचार किए, तो आप टेंशन मत कीजिए, हमारा बंदा नाराज़ नहीं होगा, वो बहुत शेर दिल बंदा है, 5 मिनट के लिए नाराज़ होगा, अभी देखना वो अभी पम्मी भाई कहता हुआ चला आएगा, 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट तो उसको वो आते ही भाग के आ जाएगा। तो एनीवे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों मत भूलिएगा। दैट्स ऑल गॉट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।